उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर वो लखनऊ लौट गए। माना जा रहा है कि इस बैठक में योगी के मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, मगर अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि योगी का मंत्रिमंडल कैसा होगा और किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस बीच बड़ी खबर आपको जल्दी से देते हैं। दिल्ली से लौटते ही योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बैठक में एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। राधामोहन सिंह, सुनील बंसल की भी इस बैठक में मौजूदगी है। इस बैठक में ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने भी नेता हार चुके हैं चुनाव, उनको एमएलसी बनाकर विधान परिषद नहीं भेजेगी बीजेपी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, ये बैठक लगातार जारी है, लेकिन खबर के हिसाब से जितने भी हारे हुए, भले ही वो दिग्गज नेता और विधायक रहे हों, उनको एमएलसी बनाकर विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा। इस बैठक की क्या बड़ी बातें अब तक निकलकर सामने आई है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, पिछले लगभग डेढ़ घंटे से ये बैठक जारी है और मैं जहां पर मौजूद हूँ वो सीएम आवास है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें अगर देखेंगी, पहले तो मैं दिखाऊं किस तरह से सजावट है। जैसे विधानसभा चुनाव ये जीते हैं, उसके बाद से पूरा जो ये कालिदास स्मारक है इस तरह से सजा हुआ है। पर आज जो मुद्दा है वो बैठक है और जो विधान परिषद के जो चुनाव होना है उसको लेकर यहीं पर अंदर बैठक चल रही है। सारे बड़े नाम है, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम खुद है, यूपी प्रभारी जो है बीजेपी के राधामोहन सिंह है, स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी चीफ है। चर्चा उन नामों पर हो रही है जो नाम बीजेपी देगी। 36 सीटें एमएलसी के जिनको लेकर चुनाव हो रहा है। 2016 में 36 में 33 सीटें समाजवादी पार्टी ने निकाली थी और जिसमें से बचे हुए निर्दलीय थे। तो बीजेपी ने तैयारियां इसीलिए अभी से शुरू कर दी है कि जिस तरह से दमखम उन्होंने विधानसभा के चुनाव में दिखाया है, कहीं ना कहीं डोमिनेट किया है, वो प्रदर्शन अपना विधान परिषद में भी जारी रखे। और जैसा कि आपने कहा कि जो हारे हुए नेता है उनको नहीं, क्योंकि इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि कई मंत्री हैं, सुरेश राणा हैं, सतीश द्विवेदी हैं, जो हारे हैं उनको मौका मिल सकता है। पर कई समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो एमएलसी तो और बीजेपी में आए थे, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है और वो भी उनके नाम भी दिए जा सकते हैं। फिलहाल ये एक टेंटेटिव प्लान बन रहा है यहाँ पर आज की, ये नाम इनके यूपी के एंड से जा रहे हैं। ये फाइनल लिस्ट जो है वो सेंटर यानी कि दिल्ली जाएगी, जिस पर फाइनल डिसीजन कल हो सकता है। और जो बीजेपी है वो कल या परसों में एक फाइनल लिस्ट एमएलसी की जारी कर सकती है, क्योंकि 17-18 को होली पड़ रही है और नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है और 22 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है और 9 अप्रैल जो है उस दिन मतदान होना है। तो इसको सारी चीजों को देखते हुए आज ये बैठक अहम इसीलिए कही जा रही है और यही रीजन है बिकॉज दिल्ली से बैठक तो अहम है। बिना ब्रेक पहले अगर ये खबर सामने आ जाए कि हारे हुए जो नेता हैं, जो दिग्गज भले ही हों, उनको एमएलसी बनाकर विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा, तो फिर 10 से ज्यादा जो कद्दावर मंत्री योगी सरकार में इस बार के चुनाव में हार गया, उनका क्या होगा भविष्य, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए शुक्रिया समर्थ, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन बाद अब सरकार राज की करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चले, अभी तो कार्यवाहक के तौर पर कार्यभार उत्तर प्रदेश का संभाला हुआ है, लेकिन लगातार बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं। 2 दिन का इनका दिल्ली दौरा और अब लखनऊ वापस जाते ही वहां पर एमएलसी चुनावों को लेकर बैठक, और इसके साथ ही माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जब शपथ ग्रहण होगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि लखनऊ से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और अब बीजेपी की नजर सीधे 2024 पर भी है। यह रिपोर्ट देखिए। सदन से सड़क तक मोदी के नाम की गूंज है। यूपी की गली गली में योगी के नाम की गूंज है। प्रचंड जीत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम आला नेताओं से मेल मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में दूसरे दिन भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। योगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
इसके पहले पीएम मोदी मुलाकात के बाद योगी को बधाइयां दे चुके हैं और योगी पीएम को शपथ समारोह में आने का आमंत्रण दे चुके हैं। लेकिन इन मेल मुलाकातों का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है कि यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल पर विस्तार से चर्चा। तो फिर सवाल ये है कि कैसा होगा योगी का मंत्रिमंडल? योगी सरकार पार्ट टू में कौन कौन मंत्री बनेगा? डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा? क्या इस बार भी दो ही डिप्टी सीएम होंगे? ये मंथन का दौर है, मंथन और चर्चा इसलिए कि कैसी होगी योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट। क्या तीन डिप्टी सीएम होंगे? क्या नए मंत्री इसमें लाए जाएंगे? चर्चा ये साफ है कि इस बार दलितों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी तय है। साथ साथ डिप्टी सीएम भी होंगे और पश्चिम का एक बड़ा चेहरा इसमें शामिल होगा, जाट, जाटव और साथ साथ पिछड़ी जाति के बड़े चेहरे को आगे रखने की एक पूरी कोशिश होगी। हालांकि अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि योगी सरकार में कौन मंत्री पद पाएगा, मगर इतना जरूर है कि अकेले डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि मंत्रियों को चुनने के लिए भी जातीय समीकरण को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में महिला, दलित, ओबीसी पर जोर हो सकता है। साफ सुथरी छवि को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्षेत्र के हिसाब से भी मंत्री पद दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि होली के बाद बड़े स्तर पर योगी सरकार का शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर पर जमकर बयानबाजियां हुई थी। दरअसल बुलडोजर का मसला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से था और योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में बार बार कह रहे थे कि यूपी में कानून को तोड़ने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में सरकार नहीं हिचकेगी। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है, ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। योगी के बयान को अखिलेश ने हाथों हाथ लिया था और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा तक कह दिया था। अखिलेश योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर व्यंग भी कसते रहे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। इस बार योगी सरकार बुलडोजर की रफ्तार को और तेज करेगी। मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार और सख्त होती नजर आएगी। इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सरोजिनी नगर से जीते राजेश्वर सिंह और पूर्व पुलिस अधिकारी असीम अरुण को भी जगह मिल जाए। तो पीएम मोदी ने जैसे कहा था बीजेपी होली के पहले होली मनाएगी, वैसे ही बीजेपी में होली हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में किसकी होली रंग बिरंगी होगी। इंतजार है कि कैसी होगी योगी सरकार पार्ट टू। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इधर यूपी में बीजेपी अपने मंत्रिमंडल की चर्चा कर रही है तो उसी ओर पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के घर में घमासान है। पंजाब में कांग्रेस के ही सांसद आरोप लगा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पंजाब में कांग्रेस हार गई, तो दिल्ली में भी बगावत के सुर तेज हो चले हैं। पंजाब हाथ से निकला, उत्तराखंड में भी पार्टी पिछड़ गई, गोवा मणिपुर में सत्ता दूर की कौड़ी हुई, तो यूपी में प्रियंका का प्रचार कोई काम ना आया। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम का हर पहलू कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आया।
चुनावी नतीजों पर चिंतन के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के निष्कर्ष से पहले उस संघर्ष को समझिए जो कांग्रेस के भीतर छिड़ा हुआ है। पंजाब में चुनावी हार के बाद पूरी पार्टी में रार है। पार्टी नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को हार की वजह बता रहे हैं कि ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी दी हार नहीं गी, वर्करां दी हार नहीं गी, ये हार लीडरां दी हार, जेड़े लीडर कुछ नकली बनावटी लीडर जेड़े इस पार्टी च वड़े आए ते जिन्हां ने वर्कर नू 5 साल पार्टी दे वर्कर नू नहीं पुछिया। पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में असल समस्याओं पर बात क्यों नहीं हो रही, लगातार हार के बावजूद जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही है। आज भी हम सच्चाई से दूर जाएंगे और आंखें मूंद लेंगे तो कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाती। जो समस्या है उसका जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी आपसी फूट की वजह से नहीं, शायद एक कारण रहा हो आपसी झगड़ों की बदौलत, परंतु अगर आज कांग्रेस पार्टी का ये हशर हुआ है तो इसलिए हुआ है कि लोग और पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगे। सवाल सिर्फ सत्ता गंवाने वाले राज्य पंजाब से ही नहीं उठ रहे, नेताओं के साथ अब कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के लिए काम करने वालों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। यानी कांग्रेस की लगातार हार पर नेताओं से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तकरार है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में बदलाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 राज्यों में हार के बाद कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने खुद से नेतृत्व में बदलाव की पेशकश की। सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। पहला मकसद है कांग्रेस को मजबूत करना। हालांकि सोनिया गांधी की पेशकश के बाद भी पार्टी में अभी बदलाव की कोई बात नहीं हो रही। पार्टी नेता सोनिया की अगुवाई में भी पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें। लीडरशिप ने भी बातें कही और सदस्यों ने भी अपनी बातें कही और उसके निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी वसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर कहीं कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। इस बीच कांग्रेस में कलह और लगातार हार पर बीजेपी नेता भी तंज कस रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव हारने की सीख की नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण, कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अब अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री हैं, मित्र हैं मेरे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु जब हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? मेहरबानी करके राजनीति में उतार चढ़ाव लगे होते हैं, उस पर इतना जाने की जरूरत नहीं, वरना जिस लोकसभा में बैठते हैं, हमने 2 सीटों पर भाजपा को बैठे देखा है।
पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। पार्टी में पहले ही एक धड़ा बदलाव की मांग पर अड़ा है और आने वाले दिनों में नेतृत्व की ये लड़ाई पार्टी में और बढ़ सकती है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। उधर उत्तराखंड में बीजेपी ने भले ही एक बार फिर से इतिहास रच दिया हो, मगर उत्तराखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बरकरार है। पुष्कर सिंह धामी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आगे क्या होगा, चेहरा क्या बदला जाएगा, कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, सभी के जेहन में ये सवाल है। उत्तराखंड के 20 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सत्तासीन पार्टी पूरी धमक और धड़क के साथ सत्ता में वापस लौटी। उत्तराखंड में बीजेपी की यह जीत ऐतिहासिक थी, तमाम मिथकों को तोड़ने वाली थी, तमाम रिकॉर्ड बनाने वाली थी। बीजेपी ने वो कर दिखाया जो उत्तराखंड में अब तक नहीं हुआ था। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन अफसोसनाक ये रहा कि हमेशा की तरह उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ही अपना चुनाव हार गया। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के पहले तक यही तय था कि उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, मगर चुनाव हारने के बाद फैसला सस्पेंस में बदलने लगा। अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस बात पर सस्पेंस है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या बीजेपी चुनाव का नेतृत्व करने वाले पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताएगी या फिर पहाड़ी राज्य में नए चेहरे को उतारेगी? कब तक मुख्यमंत्री बन क्या हो जाएगा? होली के बाद। आपका नाम भी लिस्ट सबसे ऊपर चला है दिल्ली। होली के बाद। बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होली के बाद सीएम का नाम सामने आने की बात कह रहे हैं। अब तक ऐसा कोई बयान भी नहीं आया जो धामी को खुश कर दे। सभी को होली के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठकों का इंतजार है। केंद्र की ये हमारी एक वो है, पद्धति है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो आते हैं, उसके बाद जब भी वो आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। इतना भारी बहुमत जो मिला है, हमने पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, हमारे चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत आया, तो इसमें जो पुष्कर धामी हमारा सीएम है उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। उसके चेहरे पर लोगों ने, जहां मोदी जी का आकर्षण था, वहीं मोदी जी की उन विशद योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम नीचे तक लेकर के गए। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी नेतृत्व निर्णय करता है विधायकों से राय लेकर के, और फिर आप का मुखिया चुना जाता है, विधानमंडल का नेता चुना जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बीजेपी खेमे के नेताओं की इच्छाएं कुलाचे मार रही है। पता नहीं किसके नाम का ऐलान होगा। 2017 में ऐसे हालात हिमाचल प्रदेश में भी आए थे। बीजेपी को जीत मिली, लेकिन सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल ही चुनाव हार गए। तब बीजेपी ने जयराम ठाकुर के रूप में नया मुख्यमंत्री चुना। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में भी बीजेपी हिमाचल वाले फॉर्मूले पर काम करेगी, या फिर चुनाव से 9 महीने पहले सीएम बनाए गए धामी ही बीजेपी की पसंद बनेंगे। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन राज्य के सीएम और पार्टी का सीएम चेहरा रहे पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट पर चुनाव हार चुके हैं और यहीं से उनकी कुर्सी पर पेच फंस गया है। 4 राज्यों में बीजेपी की वापसी हुई है। यूपी, गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्रियों की वापसी भी तय दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड में क्या होगा, ये बड़ी पहेली है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत गुस्सा आता है। इस बार नीतीश कुमार का क्रोध फूटा बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर। आप भी देखिए, जब बिहार विधानसभा के भीतर ही विधानसभा अध्यक्ष पर भड़क गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा
इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं जवाब दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री तमतमाए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, क्रोध सातवें आसमान को पार कर सुना जाए चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन? ऐसा गुस्सा कि क्या बताए कैसा गुस्सा, और गुस्साए भी किस पर हैं? बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर। ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे। धमनियों में बहने वाला रक्त उबल पड़ा, सुशासन बाबू का कंठ क्रोध से कांपने लगा। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते, सदस्यों को करने के लिए। स्पीकर समझाते रहे, कहते रहे कि आप ही बता दीजिए कैसे चलाया जाए, मगर ना, नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैं आतंकी विवाद सुनी जाए रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आप समय पर आकर के सुन रहा था। मैं आसन की भी बात सुनी जाए, आप एक एक बात जान लीजिए। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच कहासुनी लखीसराय की घटना को लेकर हुई। यह इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाए। सदन में बीजेपी विधायक संजय सारवानी ने लखीसराय में 9 लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया। बार बार सदन में इस मुद्दे को उठाने पर नीतीश कुमार भड़क गए और संविधान का हवाला देकर इसे गलत बताया। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं जवाब दिया जा रहा है, अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? उधर नीतीश कुमार और विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के बीच हुई कहासुनी ने विपक्ष को सरकार पर तंज कसने का नया मौका दे दिया। विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री में टुटू मैं हो गया, अद्भुत है, किसकी सरकार है समझ ही नहीं आ रहा, कौन चला रहा समझ में नहीं आ रहा, सरकार में बैठ करके एक दूसरे को कोस रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इनके वजह से बिहार की जनता तरफ हो चुकी है, बर्बाद हो गई है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर टकराव की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार नीतीश के तेवर ज्यादा तीखे दिखे, जिसे लेकर सियासी हलकों में नई चर्चा भी शुरू हो गई। वैसे ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान से ही नीतीश कुमार को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आने लगा है। वो चिढ़ते भी हैं, खिसियाते भी हैं, और कभी कभी तो ऐसे भड़क भी जाते हैं। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, विधानसभा के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, यानी कि जिस तरह से वाद विवाद हुआ, उस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। अगर ये उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का नतीजा है तो भविष्य में एनडीए के लिए ये शुभ संकेत खास तौर पर बिहार में नहीं है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। रूस और यूक्रेन की लड़ाई का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है। एक तरफ चौथे दौर की बातचीत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर रूस का शिकंजा कीव पर कसता हुआ चला जा रहा है। आज भी कीव के कई इलाकों में भयानक बमबारी की गई। सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन का यह युद्ध आखिर कहां जाकर रुकेगा? वक्त बीत रहा है मगर नहीं बीत रहा तो बर्बादी का ये मंजर। तारीखें बदल रही हैं मगर नहीं बदल रही तो तबाही की ये तस्वीरें। समय गुजर रहा है अगर नहीं गुजर रहा तो यूक्रेन के खिलाफ बेबसी का ये लम्हा। एक एक करके 19 दिन बीत गए मगर रूसी मिसाइलों का शोर नहीं थमा, नहीं थमा बारूदों से होने वाला धमाका, नहीं थमा गोले बारूद से हमला। पुतिन की सेना के टैंक, रॉकेट, मिसाइल मिनट मिनट पर यूक्रेन का सीना छलनी कर रहे हैं
रूसी फौज की अत्याधुनिक हथियारों से निकलती बेकाबू गोलियां खत्म नहीं हो रही। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इमारतें जमींदोज हो रही हैं। सरकारी ठिकाने रूसी टैंकों का टारगेट हो रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, सब कुछ उस बर्बादी की जद में है जहां बम गिर रहे हैं। विनाशकारी हथियारों ने ऐसा कहर बरपाया है कि खूबसूरत यूक्रेन के शहर पहचानने में नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन अब बेबस है, वहां बेबसी के आंसू है। यूक्रेनी लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा है। ये उसी खेरसन की तस्वीरें हैं जिसे रूस के विमानों ने बमबारी कर मानो मलबे के ढेर में बदलने की कसम खा ली हो। कीव की किलेबंदी में रूसी फौज ने जी जान लगा दिया है, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी कब तक मिलेगी ये ठीक ठीक कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने भी कीव को घेर रखा है। Слава вам, слава нашим людям, слава нашим героям, слава Україні. रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं, जेलेंस्की अपनी जिद पर। यूक्रेन के हित में जेलेंस्की ने कई बार रूस से युद्ध रोकने और बातचीत करने की अपील की है, लेकिन अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा चुका है। रूसी फौज कीव की तरफ तीन तरफ से घेराबंदी कर चुकी है। लवीव में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक दिन पहले ही मिसाइल हमले में 35 लोगों की मौत हुई है। यहाँ निकोलीव भी बमबारी से तबाह हो गया है। खेरसन में भी तबाही का ही मंजर दिख रहा है। मेलिटोपोल दो हफ्ते से रूसी फौज के कब्जे में है। इन सब के बीच यूक्रेन ने रूस पर पलटवार के कई बड़े दावे किए। तस्वीरें सामने आई, वीडियो जारी किए गए, लेकिन कीव में दाखिल होने की रूसी फौज की रणनीति अब तक कामयाब नहीं हुई है। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। इधर रूस कीव पर शिकंजा कसता जा रहा है, उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने जवानों में जोश भर रहे हैं। वो लगातार हुंकार कर रहे हैं कि रूस को इस जंग में यूक्रेन हर हाल में पटखनी देगा। रूस की सेना कीव की गर्दन तक चढ़ाई है। रूस की मिसाइलों ने कीव को घेर रखा है। रूस कीव पर कब्जा करने की चाहत तेज कर रहा है। यूक्रेन के कई शहर रूस के कब्जे में हैं और राजधानी कीव में रूसी सैनिकों की संगीनें लहरा रही हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस बात से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत होगी और उन्हें इसका यकीन है। повинні боротися і ми переможемо. Я знаю це. Я у це вірю. Слава вам. Слава нашим людям. Слава нашим героям. Слава Україні. रूस के खिलाफ युद्ध के बीच जेलेंस्की ने कई बार दावा किया कि वो कीव में ही हैं। उन्होंने कई बार वीडियो भी जारी किए, मगर इस बार उनका जो वीडियो सामने आया है वो पहले के तमाम वीडियो से ज्यादा विश्वसनीय दिखता है। इस बार जेलेंस्की कीव में एक अस्पताल में नजर आए, जहां वो घायल सैनिकों का हाल जानने और उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। इस वीडियो में जेलेंस्की सैनिकों के साथ बात करते हुए सेल्फी लेते और अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत करते दिख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसी दौरान कई सैनिकों को वीरता मेडल दिया। 17 को मरणोपरांत और 89 सैनिकों को यूक्रेन के नायकों की उपाधि से सम्मानित किया। इस मुलाकात के अलावा जेलेंस्की कीव के कुछ चेक पॉइंट पर भी पहुंचे और रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने वालों की हौसला अफजाई की। Заїжджав сьогодні і на блокпости. Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі, які захищають Київ
і знають, що ми переможемо. Відчувається це. Переможемо завдяки тому, як тільки ми, українці, вміємо гуртуватись, вміємо завжди пам'ятати про своїх. ये वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझता जा रहा है। भले उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और कई शहरों को घुटनों के बल ला दिया है, मगर जेलेंस्की और उनके सैनिकों ने रूस के इस भ्रम को अब तक दूर ही कर रखा है कि वो यूक्रेन को वैसे ही जीत लेंगे जैसे कि उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा जमाया था। ये तबाही यूक्रेन की सरहदों से आगे भी जा सकती है। ये महायुद्ध यूक्रेन की सरहदों के पार भी लड़ा जा सकता है। इसकी चेतावनी एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है। मगर उससे पहले लवीव के यावोरिव में मची तबाही का मंजर देखिए। युद्ध के 18वें दिन रूस ने पोलैंड से सटे लवीव में यावोरिव मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप पर रॉकेटों की बरसात कर दी। इस हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, 134 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस का हमला पहली बार पोलैंड की सीमा से महज 25 किलोमीटर भीतर यूक्रेन के यावोरिव में हुआ है। पोलैंड नाटो देश है और इस वजह से जेलेंस्की चेता रहे हैं कि अगला नंबर किसी नाटो देश का है। पिछले साल मैंने नाटो के नेताओं को दो टूक चेताया था कि अगर रूस के खिलाफ की गई कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युद्ध छिड़ जाएगा। हम सही साबित हुए। मैं कब कह रहा हूँ कि नॉर्ड स्ट्रीम एक हथियार है जो यूरोप को निशाना बनाएगा। अब ये साफ हो गया है और अब मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपने हमारा आसमान बंद नहीं किया तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब रूसी मिसाइल आपके इलाके में गिरेंगे, नाटो के इलाके में, नाटो देश के नागरिकों के घरों पर। नाटो देश अब तक मूक दर्शक की भूमिका में है। देखना है कि अगर पोलैंड पर रूसी हमला हुआ तब भी क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। श्वेता सिंह, गीता मोहन और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत की आज तक। रूस का हमला यूक्रेन में पूरब से अब पश्चिम की ओर शुरू हो गया है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। है कि पूरी तरीके से चौक किया जाए। क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल सब्जी दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। और हम निकले हैं अब उन मोर्चों को देखने के लिए जो कि कीव के आसपास के वो मोर्चे जो रोज आपको कोई एक नई कहानी यहां से बताते हैं कि रूस आखिर क्या चाह रहा होगा, किस तरह की रणनीति की ओर आगे बढ़ रहा होगा। और ऐसे में गौरव, मुझे मालूम है कि गाड़ी में थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन अब टेढ़े होकर किसी भी तरीके से आप यहां पर आइए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। कल हम और मैं और आप अलग अलग मोर्चों पर निकले थे, अलग डायरेक्शंस में निकले थे, आप जिस डायरेक्शन में निकले वहां क्या क्या? कल हम लोग कीव से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहां पर गए थे जहां पर भारी बमबारी हुई थी, भारी मिसाइल अटैक्स हुए थे और वो दक्षिण से जिस तरह सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये वो इलाका था श्वेता। और यहां पर कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया था, कई रिहायशी इलाके हम लोग जब वहां गए तो वहां पर वो रिहायशी इलाके बिल्कुल टूटे हुए थे, तो वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था, बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया गया था। जिस तरह वहां स्कूल, कॉलेज, लोगों के घर, किंडरगार्टन, प्लेग्राउंड, वो सब टूटे हुए थे
और वहां की सेना ने हमें बताया, हम सेना के अधिकारियों से भी मिले थे श्वेता, और सेना के वो अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रॉकेट्स आते हैं ग्रैड सिस्टम, उससे हमला हुआ था और बहुत भारी नुकसान, और एक इलाके ही नहीं पूरे इलाके के लोग फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो कह रहे थे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, सिविलियन एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब सी स्थिति है यहाँ पर, बहुत अजीब सा युद्ध चल रहा है। आप इस हिसाब से भी इसे देखिए कि रूस के टैंकों को अगर आप देखेंगे आपको T-72 नजर आएगा। भारतीय सेना भी उतने बड़े पैमाने पर एक युद्ध में उसे आगे लेकर नहीं जाएगी, वो अपने क्योंकि हम कमोवेश वही हथियार इस्तेमाल करते हैं T-90 लेकर हम जाएंगे। रूस के पास बड़ी मौजूदगी उसकी है, लेकिन आपको उनकी तैनाती उस हिसाब से नहीं दिखती है। रूस ने 4 दिन में जंग खत्म करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन जंग 19वें दिन में पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया जिससे रूस जैसी महाशक्ति अपने से कहीं ज्यादा कमजोर यूक्रेन को 18 दिन में भी हरा नहीं पाई। इस सवाल का जवाब है यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी। रूस ने मिसाइलों से भयानक हमले किए, रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट फायर किए, क्लस्टर बमों से एक के बाद एक दर्जनों बम गिराए, लेकिन कीव अब भी नहीं जीत पाए। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह है रूस की रणनीति जो शुरुआती दिनों में ही फेल नजर आई। दूसरी वजह है रूस की मजबूरी कि उसे यूक्रेन के नागरिकों को जहां तक हो सके बचाते हुए हमला करना था जो कि उसके खिलाफ थे। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार, और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि यूक्रेन ने तैयार की है अपनी टेरिटोरियल आर्मी। रूस है वो चाहता है कि इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा दे, इस युद्ध का कोई अंजाम निकल जाए। हालांकि जिस रफ्तार से ये सब कुछ चल रहा है, और उसका अलग अलग विश्लेषण है कि क्यों इतना समय लग रहा है, क्या रूस चूंकि नहीं चाहता है कि नागरिकों पर किसी तरह का प्रहार हो तो वो अपने हाथ बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार मिलेगा ये सोचा नहीं था, इसीलिए रूस धीरे धीरे चल रहा है। कुछ कहते हैं कि उनका जो आर्मर्ड कॉलम, इन्फेंट्री कॉलम उनके जो है उससे लॉजिस्टिकल कॉलम उससे तालमेल नहीं बिठा पाया है, वो दिक्कतें उन्हें, सप्लाई लाइन्स की दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारे इसके आकलन हो रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी ऐसे सैनिक होते हैं जो आम नागरिक होते हैं और सेना में अपनी सेवाएं कम समय के लिए देते हैं। आमतौर पर किसी भी टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त 3 दिन में ही ट्रेनिंग दी जा रही है, और युद्ध के कई क्षेत्रों में रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की यही टेरिटोरियल आर्मी भारी पड़ रही है। आज तक की टीम यूक्रेन के लिए लड़ने वाली टेरिटोरियल आर्मी के एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंची। हमने इसके एक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया जहां यूक्रेन के सैनिक नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के करीब 60,000 से ज्यादा नागरिक तो विदेशों से ही आए हैं। ये लोग अपने देश के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस से टकराने के लिए अपने नागरिकों को बंदूकें थमाई हैं। इसी टेरिटोरियल आर्मी के भरोसे वो रूस को मात देना चाहती है। The entire training takes about 3 to 5 days as far as I'm aware right now, because obviously there are many undertrained people joining the territorial defense with little to no combat experience. यूक्रेन इन सैनिकों की हर ट्रेनिंग, चाहे वो बंदूक के साथ हो या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो या फिर निशानेबाजी, ये 3 दिनों में ही पूरी करवा रही है। इसमें इन लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जाता है। हर एक व्यक्ति इस समय यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैयार है। एक ऐसी महिला कमांडो हमारे साथ इस समय है जो ट्रेनिंग भी देती है और जो खुद भी एक सोल्जर है। यू ट्रेन द सोल्जर्स एज वेल, द वंस व्हिच हु कम फॉर द टेरिटोरियल आर्मी। Just 3 days of training? Yes, 3 days of training or more days, and we train tactics war in the war and how live on the war and how finish war. Okay, you have a Hindu name also. Your Ukrainian name and your Hindi name. Yes. My name is Olena and my spiritual name is Aditi. Aditi, yes.
इस ट्रेनिंग में ही इन लोगों को रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले करना भी सिखाया जाता है। इन लोगों को मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम बनाना और फिर किस तरह से उससे रूस के सैन्य काफिले पर हमला करना है, ये सिखाया जाता है। यूक्रेन के पास भले ही रूस के टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों का जवाब ना हो, लेकिन मोलोटोव कॉकटेल से हमला अभी तक रूस की ग्राउंड फोर्सेस पर काफी भारी पड़ा है। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने वाले नागरिकों को इससे हमला करना सिखाया जा रहा है, ताकि जब युद्ध गलियों तक पहुंच जाए तो गुरिल्ला वॉर में ये कॉकटेल काम आए। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक।